सबसे पहले आप इसमें अपनी घड़ी सेट करेंगे जो कि अभी 4:24 दिखा रहा है, तो ये सही है। ओके आपने किया, मिनट आपने ओके किया, फिर आप इसमें स्टार्ट टाइम लगाएंगे, आपको कितने बजे अपना इरिगेशन सिस्टम चालू करना है। ठीक है, अब हमें सिस्टम चालू करना है, सपोज़ अभी 4:24 हो रहा है, हमें 4:30 पे चालू करना है, तो 4 सही आ गया, आपने ओके किया। अब आप मिनट पे आपने देखा ये इसका ब्लिंक हो गया है, मिनट को आप बढ़ाएंगे और इसको 4:30 पे इसको सेट कर दिया, ये अब हमने ओके किया। अब आता है आपको अपना सिस्टम कितनी देर के लिए चलाना है, हमें सिस्टम चलाना है 10 के लिए, तो अभी आर पे ब्लिंक कर रहा है, आप इसको 0 पे ओके करेंगे। अब मिनट पे गया, हमने मिनट बढ़ाया 10 किया, आपने इसको ओके किया। अब आता है कि हाउ ऑफन, मतलब कितना देर के बाद सिस्टम चले, इसमें दोनों ऑप्शन होता है, दिन का भी होता है, आप देख रहे हैं 2 बाद 3 बाद या घंटे के हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा। तो अब हमें मान लिया चलाना है इसको हर दिन रोज़ 24 के बाद, तो हमने इसको दिन पे ले जाके सिस्टम को हर एक दिन के बाद इसको सेट कर दिया। अब इसमें आपकी पूरी फिटिंग्स ओके हो गई हैं, सेटिंग्स ओके हो गई हैं, अब आप इसको ऑन करेंगे, ये सिस्टम अब से 5 के बाद अपने आप चालू हो जाएगा। देखिए आप लिखा रहा है नेक्स्ट साइकिल, समय हो रहा है 4:26, नेक्स्ट साइकिल 4:30 चालू हो जाएगी इसकी।